बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील ख़ान। आज हम चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगे हैं, न्यूमेरिकल नंबर 5 से। तो चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज़ द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg ऑफ वाटर फ्राम 10 सेंटीग्रेड टू 65 सेंटीग्रेड। हाउ मच हीट, कितनी हरारत हमें दरकार है, और गिवन डेटा हमारे पास है टेम्परेचर ऑफ 0.5, मास हमारे पास है 0.5 kg, इसमें टेम्परेचर जो इनिशियल टेम्परेचर है वो हमारे पास है 10 सेंटीग्रेड, और इसी तरह T2 हमारे पास है 65 सेंटीग्रेड, और हमने हीट जो है वो मालूम करनी है। अब देखें, हीट मालूम करने का हमारे पास जो फार्मूला है वो है चेंज इन हीट इज इक्वल टू mc del T। अब इसमें मास हमें गिवन है, सी स्पेसिफिक हीट, और इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वाटर यूज़ कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो भी अंडरस्टूड है, हमें गिवन होती है। और इस तरह डेल्टा टी हम मालूम कर लेंगे चेंज इन टेम्परेचर। तो देखें, T1 जो है वो सेंटीग्रेड में है, इसको हम केल्विन में चेंज कर लेते हैं, 273 + 10 दैट इज़ इक्वल टू 283 केल्विन, और इसी तरह प्लस 65 दैट इज़ इक्वल टू 338 केल्विन। और सी जो है वो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो हमें मालूम है जॉल्स पर केजी पर केल्विन होती है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हीट हम मालूम कर लेते हैं mc del T। इसी तरह डेल्टा टी हमारे पास आ जाएगा T2 - T1, और T2 हमारे पास है 338 - 283, तो ये हमारे पास आ जाएगा 55 केल्विन। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, 0.5, 4200 और 55। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हीट आ जाएगी, और उसकी वैल्यू है जॉल, और ये हमारे पास मुतलका या रिक्वायर्ड जो हीट थी वो हमने मालूम कर ली। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट द रेट ऑफ 1000 जॉल्स पर सेकेंड, और ये क्या है, जॉल्स पर सेकेंड हमारे पास है पावर। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम ऑफ वाटर फ्राम 20 सेंटीग्रेड टू 90 सेंटीग्रेड। अब हमारे पास जो है वो टेम्परेचर हमने मालूम करना है, हमारे पास गिवन डेटा है, पावर हमारे पास है 1000 जूल, इसी तरह टाइम जो है वो 20 सेंटीग्रेड से 90 सेंटीग्रेड जो है वो उसका टेम्परेचर है, और मास जो है वो हमारे पास है 2000 ग्राम। अब हमने टाइम जो है वो मालूम करना है। अब देखें, हमारे पास पावर भी है, टाइम भी है, मास भी है, और हमारे पास जो पावर से रिलेटेड टाइम मालूम करने का फार्मूला होता है वो होता है पावर इज इक्वल टू हीट पर यूनिट टाइम। यहाँ से हम टी की वैल्यू है मालूम कर सकते हैं, क्यू ओवर पी। अब इसमें देखें, पावर हमें गिवन है लेकिन हीट जो है वो हमने मालूम करनी है, तो सबसे पहले हम हीट मालूम करते हैं, और हीट मालूम करने का हमारे पास जो फार्मूला है वो है C m delta T। अब इसमें स्पेसिफिक हीट हमारे पास है, मास है, और चेंज इन टेम्परेचर भी हमारे पास है, तो
सबसे पहले हम चेंज इन टेम्परेचर मालूम कर लेते हैं। इसको केल्विन में चेंज करेंगे, 273 + 20 दैट इज़ इक्वल टू 293 केल्विन, और इसी तरह 273 + 90 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 360 केल्विन। चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास आएगा T2 - T1, T2 हमारे पास है 360 - 293 दैट इज इक्वल टू 70 केल्विन, और इसी तरह स्पेसिफिक हीट हमें मालूम है 4200 जूल्स पर केजी पर केल्विन। तो सबसे पहले हीट मालूम करते हैं, तो क्यू इज इक्वल टू CM ∆T। स्पेसिफिक हीट हमारे पास है 4200, मास हमारे पास यहाँ ग्राम में है, और इसको हम चेंज करते हैं किलोग्राम में, तो वो आ जाएगा हमारे पास 200/1000 दैट इज इक्वल टू 0.2 किलोग्राम। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, और इसी तरह चेंज इन टेम्परेचर जो है वो हमारे पास 70 है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हीट की वैल्यू आ जाएगी जो कि 5। यहाँ से मालूम करते हैं हम हीट ओवर पावर, हीट हमारे पास वैल्यू आ चुकी है ओवर 1000 दैट इज इक्वल टू 58.8 सेकेंड्स। तो ये वो रिक्वायर्ड टाइम था जिस पे पानी का टेम्परेचर जो है वो 20 सेंटीग्रेड से 90 सेंटीग्रेड तक पहुँच गया था। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, न्यूमेरिकल नंबर 7। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हाउ मच आइस विल मेल्ट बाय 50,000 जूल ऑफ हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज। अब इसमें हमने मास मालूम करना है आइस का, जिसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी दी गई है और हमें हीट भी दी गई है। तो देखें हमारे पास हीट जो है वो 50,000 जूल, इसी तरह हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो हमें दी गई है 1000 हमने आइस का मालूम करना है कि उसका मास जो है वो कितना है, और हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू फार्मूला डेल क्यू इज इक्वल टू हीट ऑफ फ्यूजन, और यहाँ से हमें मास की वैल्यू चाहिए, तो M इज इक्वल टू हीट ओवर हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये इक्वेशन हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। अब हमारे पास हीट जो है वो है 50,000, और इसी तरह हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आइस है उसका मास आ जाएगा और वो है 150 ग्राम। तो ये वो मतलूबा मास था उसका आइस का जो मेल्ट हुआ था।